हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों से मैंने मेरा एक प्लेलिस्ट है जो कि है इन्फॉर्मेटिव सीरीज़, उसमें कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो रिसेंटली मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिला, तो मुझे लगा कि मुझे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ज़रूर देनी चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है बॉडी हेयर को रिमूव करने के मेथड को लेके, कि शेविंग अच्छी है या वैक्सिंग अच्छी है, इन दोनों में से क्या चीज़ हमारे स्किन के लिए अच्छी है, हमें क्या सूट करती है, किस चीज़ की प्राइस रेंज कम होती है और किससे हमारी जो हेयर की ग्रोथ है वो कम हो जाती है। तो आज के वीडियो में मैं आपसे इसी के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि आप क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, वैक्सिंग या शेविंग। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपको इससे थोड़ी भी हेल्प मिले, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपने मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बिना लेट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, स्टार्ट करते हैं कि सबसे ज़्यादा इजी हमें क्या रहता है, वैक्सिंग या शेविंग। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि वैक्सिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है करवाने में, उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, बहुत सारा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अगर आपको बता दूँ कि ईजी क्या रहता है, अगर आप बात करते हैं शेविंग या वैक्सिंग की, तो मेरे अकॉर्डिंग ईजी जो आपको रहता है वो रहता है शेविंग। शेविंग इसीलिए ईजी रहता है क्योंकि इसके लिए आपको चाहिए होता है एक रेज़र, एक फोम, तो उससे भी आप अपनी बॉडी को बहुत ही आराम से शेव कर पाते हैं। और यही अगर मैं बात करूँ वैक्सिंग की, तो आजकल तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आपको कोल्ड स्ट्रिप वाले वैक्स मिलने लगे हैं, बट अगर आप नॉर्मल वैक्सिंग की बात करते हैं जो कि हम स्पेशली पार्लर में जाके करवा पाते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। फर्स्ट थिंग, उसके लिए आपको जाना होता है पार्लर, देन वहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम स्पेंड करना होता है, और उसके बाद जाके आप वहाँ पे अपने हेयर की वैक्सिंग करवा पाते हैं। आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, मान लीजिए आपको जल्दी में कहीं जाना है एंड आपको वैक्सिंग करानी है, अगर आपके पास इस तरीके की कोल्ड स्ट्रिप्स हैं तो फिर आप शायद खुद से वैक्सिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ पार्लर जाना होगा, देन वहाँ पे अपॉइंटमेंट लो, वैक्सिंग करवाओ, देन घर आओ, देन कहीं जाओ, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट यही अगर आप शेविंग की बात करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहता है। आप नहाते टाइम आराम से अपने लेग्स के हेयर, हैंड्स के हेयर को बहुत ही ईजिली रिमूव कर पाते हैं, ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है और बहुत ही आराम से हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कन्वीनियंट मेथड की, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो और आप जल्दी भी कर सकें, तो इसमें जो विनर होता है वो होता है शेविंग। तो गाइज, इसके बाद बात कर लेते हैं कि कौन सा मेथड जो है वो एक्सपेंसिव होता है। बहुत सारे लोग मनी को भी काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ उनके बजट में आती है, वैक्सिंग या शेविंग। तो मैं अगर बात करूँ बजट की, तो बजट में आपका आ जाता है शेविंग, क्योंकि जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, शेविंग के लिए आपको ऑब्वियसली चाहिए होता है रेज़र, और अगर आप कोई एक रेज़र ख़रीद रहे हैं तो आप उसे आराम से 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। बट हाँ, रेज़र में आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी होती है कि उसे केवल आप ही यूज़ करें, आप उसको शेयर ना करें। तो आप एक रेज़र को अपने लिए ही रखें, और आप एक रेज़र से 2 से 3 बार तो आराम से अपने लेग्स को, हैंड्स को शेव कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको चाहिए होता है शेविंग फोम, तो वो भी मार्केट में बहुत ही कम दाम में अवेलेबल हो जाता है। मुझे लगता है 200 अप्रॉक्स में आपको ये दोनों चीज़ आराम से अवेलेबल हो जाती है। बट यही अगर मैं बात करूँ वैक्सिंग की, तो वैक्सिंग में क्या होता है, आपको पार्लर जाना होता है, और अगर मैं कम से कम दाम वाले पार्लर की भी बात करूँ, तो वहाँ पे भी आपके पूरे हैंड और पूरे लेग्स के लिए ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ वो ज़रूर लेते हैं। और ये जो कॉस्ट होती है, ये होती है केवल एक बार की, मतलब कि आप किसी अच्छे पार्लर में जाते हैं, हाइजीनिक पार्लर में और ज़्यादा बेटर पार्लर में, तो फिर आपकी वो जो कॉस्ट है वो और ज़्यादा बढ़ते जाती है। तो ये हो जाता है इन दोनों में से कि कौन सी चीज़ आपको सस्ती पड़ जाती है। तो सस्ती जो चीज़ पड़ती है वो हो गई यहाँ पे फिर से शेविंग। तो गाइज, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि कौन सी चीज़ जो है वो हमारे हेयर की ग्रोथ को कम कर देती है। अब ये जो बात हो जाती है, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको कौन सी चीज़ आपके बॉडी हेयर से लंबे टाइम के लिए फ्री कर रही है। तो जब आप शेव करते हैं अपने बॉडी को, अपने हैंड्स को या अपने लेग्स को, तो ये हमेशा आपके बॉडी के ऊपर के हेयर को रिमूव करता है, मतलब कि आपके बॉडी हेयर के जड़ों से रिमूव नहीं करता है आपके हेयर को, बल्कि केवल ऊपर ऊपर से आपके बॉडी के हेयर को रिमूव करता है। तो इसकी वजह से ये होता है कि आपकी जो बॉडी हेयर ग्रोथ है वो 1 से 2 वीक में आराम से हो जाती है। आप 1 वीक में ही फील करने लगते हैं कि आपके जो हैंड्स के हेयर हैं या लेग्स के हेयर हैं वो दोबारा से ग्रो हो गए हैं,
बट यही अगर मैं बात करूँ वैक्सिंग की, तो वैक्सिंग क्या होता है, ये आपके हैंड से या आपके लेग से जो हेयर को रिमूव करता है वो उनके रूट से करता है। मतलब कि आप ये चीज़ देखेंगे जब आप वैक्स करवाते हैं तो आपको आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ फील होती है, क्योंकि वैक्सिंग आपके हेयर को रूट से रिमूव करता है। और जब आपके हेयर रूट से रिमूव हो जाते हैं तो वो आराम से आपको 3 से 4 वीक के लिए आपके बॉडी हेयर से आपको छुट्टी दिला देते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि इन दोनों में से कौन सी चीज़ आपको आपके बॉडी हेयर से लंबे टाइम तक के लिए छुटकारा दे सकता है, तो इसमें जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो होता है वैक्सिंग। तो गाइज अब आते हैं फोर्थ मेन पॉइंट पे। ये जो सेंसिटिव स्किन वाले होते हैं इनकी मेन प्रॉब्लम होती है कि इनको वैक्सिंग सूट नहीं करता है, या फिर वो केमिकल वाले जो हेयर रिमूवल क्रीम आते हैं वो सूट नहीं करते हैं। तो इनके लिए कौन सा मेथड जो है वो सूटेबल है, ये काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन होता है, क्योंकि जब वो वैक्स करवाते हैं तो उनकी स्किन पे अजीब सा रेडनेस हो जाती है जो काफ़ी ज़्यादा उनको जलन देती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो उनके लिए जो सबसे अच्छा मेथड होता है वो होता है शेविंग। शेविंग इसलिए अच्छा होता है क्योंकि ये आपके रूट के अंदर से बालों को नहीं खींचता है, जिसकी वजह से आपको एलर्जी या इचनेस हो जाती है अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो। और एक और चीज़ इसके साथ होती है, जब आप वैक्स करवाते हैं तो आपको पेन होता है, तो सेंसिटिव स्किन वालों को पेन झेलने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एक तो जो उनकी स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव स्किन पे जब उनको पेन होता है, साथ के साथ जब इचनेस होती है, रेडनेस होती है, तो उनके लिए जो वैक्सिंग मेथड है वो बिल्कुल अच्छे से वर्क नहीं करता। तो उनके लिए यही बेटर है कि वो शेविंग को प्रेफर करें। और अगर आपको शेविंग के बाद भी इचिंग हो रही है तो फिर आप वहाँ पे कोई भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई कीजिए, उससे आपकी इचनेस जो है वो कम हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्पेशली फॉर सेंसिटिव स्किन, तो यहाँ पे विनर होता है फिर से शेविंग। तो गाइस अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। आई नो कि आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी गर्ल्स को ये प्रॉब्लम होगी कि आखिर वो क्या चीज़ प्रेफर करें। तो मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ, अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है, मतलब कि आपको जो गर्म वैक्स है उससे किसी भी तरह की एलर्जी या प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको हमेशा प्रेफर करने बोलूँगी वो है शेविंग। शेविंग आपकी स्किन के लिए काफ़ी ज़्यादा सही है, फर्स्ट थिंग ये हो जाती है। सेकंड ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है कहीं जाने की, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पार्लर जाके अपने बॉडी के हेयर को रिमूव करवाएं, देन घर आके रेडी हो एंड कहीं जाएं, तो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं शेविंग। और एक और पॉइंट गर्ल्स, अगर आप वैक्सिंग करवाते हैं तो आपके जो दोबारा हेयर की ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बट अगर आप शेविंग करवाते हैं तो आपके जो हेयर की ग्रोथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है। तो इन दोनों में मेरे हिसाब से आपको वैक्सिंग ही चूज़ करना चाहिए अगर आपकी जो स्किन है वो सेंसिटिव नहीं है और आपको कहीं जाने की जल्दी नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो वैक्स जो है वो आपके स्किन के लिए काफ़ी सही रहता है, आपकी हेयर की ग्रोथ को कम कर देता है, हेयर जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बट हाँ ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट अगर आप इसे टाइम टू टाइम कराते हैं तो आप आराम से 4 से 5 वीक के बाद भी वैक्स करवा सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा कि आपको क्या चूज़ करना चाहिए बिटवीन वैक्सिंग एंड शेविंग। तो मेरे और भी ऐसे मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, एंड अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।